मटेरियल से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये देखो नौटंकी कर रहा है लड़का, बैकग्राउंड में इतने बैलून्स और ऐसा लगा लिया है, मतलब इसे पूरा खेल रहा है ना, ये इसका दिमाग तो पूरा चल रहा है। लग नहीं रहा है तेरे को देख के तुझे कोल्ड वोल्ड कुछ हो रहा है, है ना? हाँ, इसको देखो ऐसे ही लग रहा है, ये बर्थडे पार्टी में ही गया हुआ है जैसे। कब है इसका बर्थडे? ये अभी तक उसी जोन में है। नहीं ठीक है, दिस इज योर विश। हाँ ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं, जितने भी मटेरियल इवेंट्स हैं, मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मटेरियल का मतलब है इम्पॉर्टेंट। तुमने कभी सुना होगा कि मेरे लिए ये मटेरियल नहीं करता, मेरे लिए बहुत मटेरियल करता है, कभी सुना इस तरह की हमने कॉमन? कभी नहीं सुना। ये एक बहुत ही, हाँ मटेरियल, ये बहुत मतलब आई डोंट नो तुम लोगों ने कैसे नहीं सुना कि मेरे लिए, मैं जैसे होता ना मैटर जो तुम कह रहे हो ना, मेरे लिए मैटर नहीं करता, है ना? उसी को एक दूसरे तरीके से भी बोला जाता है, ये मेरे लिए बिल्कुल मटेरियल नहीं करता है, वो आए या ना आए, दिस इज़ नॉट नन ऑफ माई बिजनेस। ठीक है, ऐसे जैसे कि श्रेयांश क्लास में नहीं आया कि दिस इज़ वेरी इमटीरियल फॉर मी, राइट? तो बट दिस इज़ मटीरियल फॉर मी कि श्रेयांश ने क्लास ऑनलाइन ज्वाइन की। सो मटीरियल वर्ड का एक और मीनिंग ये होता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट, ये भी एक होता है वर्ड, लेकिन हम इसका यूसेज बहुत स्पेसिफिक जगह पे कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट द सिनोनिम फॉर इम्पॉर्टेंट, सिनोनिम की जैसे यूज़ नहीं होता है ये, ठीक है? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ऐसी कोई भी मटीरियल इन्फॉर्मेशन, मटीरियल इन्फॉर्मेशन को कैसे जज करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन जो कि स्टेक होल्डर्स के डिसीजन पे इम्पैक्ट डाले। स्टेक होल्डर्स कौन हैं? हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स, ठीक है? तो जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ऐसी ट्रांजेक्शन है, जो भी ऐसे इवेंट्स हैं जो इन सब पे इम्पैक्ट डाले, दैट इज़ कॉल्ड मटीरियल इन्फॉर्मेशन और मटीरियल इवेंट। तो हमें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस फॉर्म को कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स, इंफॉर्मेशन मटीरियल हैं और कौन सी नहीं हैं, ठीक है? सो राइट इट डाउन। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन the materiality of the transaction, which means all significant, that is material information must be furnished in the books of accounts which influences the decision of users of that information। जैसे कि हम लोगों ने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में कहा कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें जितने भी लॉसेज हैं उनके लिए रिज़र्व बनाने चाहिए। तो ये एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि हमने प्रॉफिट्स में से कितना पार्ट रिज़र्व में रखा है फॉर फ्यूचर लॉसेज, ठीक है? ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जो कि बुक्स में शो करनी चाहिए। हम
डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं ये हमें मेंशन करना चाहिए, ठीक है। ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, बाकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को हम रुपीज़ के फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी फॉर्म है जिसके करोड़ों का टर्नओवर है, मतलब टर्नओवर का मतलब करोड़ों की सेल है, ऐसी फॉर्म के लिए अगर एक या 20 रुपये का मार्कर है तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, उनके नॉर्मल छोटे मोटे एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। लेकिन अगर एक बहुत छोटी सी फॉर्म है, बहुत ही छोटी सी, मान लो एक कोई घर में पढ़ा रहा है, मान लो मैं ही पढ़ा रही हूँ और मेरे पास कुल मिला के सिर्फ 5 ही बच्चे आ रहे हैं, मेरी इतना स्मॉल लेवल पे मेरा काम है, तो मेरे लिए शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे ओनली 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो मैं बोर्ड बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मैंने 2 ही मार्कर लिए हुए हैं, तो मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑल दो मेरे कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, मेरे को किसी गवर्नमेंट को नहीं दिखाना, तो मेरे यूज़र्स भी कम ही हैं, तो मेरे लिए ये चीज़ें इतनी लागू होती भी नहीं है प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा। बट फिर भी आप अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो वहाँ ऑटोमेटिकली अप्लाई होते ही होते हैं। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में आपकी रूटीन स्टेशनरी वर्क है, रूटीन टी एंड कॉफ़ी चल रहा है, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आज दिन में कितने कप कॉफ़ी उस डिस्पेंसर से निकली है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज कितने रजिस्टर्स निकले, कितनी स्टेशनरी यूज़ हुई, कितने ए प्रिंट आउट फोटो कॉपी मशीन से निकले, ये डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका हिसाब नहीं रखते वो लोग, हिसाब सारा रखेंगे, वरना तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी छोटे छोटे खर्चों से। लेकिन ये डिस्क्लोज़ करना इतना ज़रूरी नहीं है कि हम इसको अलग से रिकॉर्ड करें, हम इसको मिसलेनियस में डाल सकते हैं, हम इसको सीधा कैंटीन एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं है, ये नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा है, कितने लेवल पर है और किस तरह का बिजनेस है, ठीक है। समझ में आया मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, लिखो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट Due to this concept, transactions are categorized in capital and revenue nature. अब ये क्या होती हैं कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, देखो हमारे पास एक टर्म होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक टर्म होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। एक टर्म होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक टर्म है रेवेन्यू रिसिप्ट। बेसिक डिफरेंस जो कैपिटल रेवेन्यू में है वो ये है कि कोई भी कैपिटल हो वो नॉन रिकरिंग है, कोई भी कैपिटल हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो और चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, वो हमेशा नॉन रिकरिंग होगा, मतलब इररेगुलर होगा। ठीक है, जबकि जो भी आपका रेवेन्यू होगा वो आपका रेगुलर होगा या हम कह सकते हैं रिकरिंग होगा। ठीक है, समझ में आई। अब इसके अलावा हम कैसे और डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच arises for more than 1 year, जिस जो हमने खर्चा किया
उस खर्चे का जो बेनिफिट हमें मिल रहा है वो हमें एक साल से ज़्यादा कई सालों तक मिल रहा है, कई सालों तक मिल रहा है, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। हमने एक बार फिक्स एसेट्स परचेज की तो कई सालों तक उसका बेनिफिट हमें मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बेनिफिट ऑफ विच अराइजेस फॉर करंट ईयर ओनली, सिर्फ हमें करंट ईयर में उसका बेनिफिट मिल रहा है, हमें उसका बेनिफिट मिल ही नहीं रहा बहुत ज़्यादा, सिर्फ करंट ईयर का बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब जो हमने पे किया, हमने इस मंथ किसी के सर्विसेज ली उसको एक्सपेंस सैलरी पे कर दी, हमने घर यूज़ किया, फैक्ट्री यूज़ की, हमने वो रेंट दे दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, फ़ोन बिल, ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जिनका बेनिफिट हमें करंट ईयर में ही मिल रहा है और हम करंट ईयर में ही पे कर रहे हैं। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से असेट्स क्रिएटेड, इधर असेट्स क्रिएटेड और लाइबिलिटीज पेड ऑफ, या तो हम असेट्स क्रिएट कर रहे हैं या हमने कोई लाइबिलिटी थी उसकी पेमेंट कर दी, कोई लाइबिलिटी ऐसी थी जो हमने उसकी पेमेंट कर दी है। ठीक है, मान लो मैंने बैंक लोन लिया हुआ था तो मैंने बैंक लोन से पेमेंट कर दी, तो या तो मेरी लाइबिलिटी पे ऑफ हुई है यानी कि डिक्रीज हुई है, या फिर मेरी असेट्स क्रिएट हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसका बेनिफिट हमें उसी साल मिल रहा है जिस साल हमने उसकी सर्विसेज ली और हमने खर्चा दे दिया, दैट्स इट। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? तो हमें मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि आखिर हमारा कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी ये बताता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी ये हेल्प करता है कि आखिर हमारा कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने एक कैलकुलेटर परचेज किया, तो दैट कैलकुलेटर मे बी सिग्निफिकेंट फॉर वन फर्म बट दैट कैलकुलेटर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फॉर अनदर फर्म। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि द परचेज ऑफ वन चेयर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन बट इट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम चलेगा, इसीलिए ये डिपेंड करता है, ये पॉइंट अभी पहले लिख लो, द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द साइज, नेचर, साइज, नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अच्छा, स्केल मतलब आप स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हो या लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हो। वो ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट भी हमारी नॉन रिकरिंग है, यानी कि जैसे कि इसकी वजह से या तो डिक्रीज इन असेट हो रही है और ईदर डिक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। मतलब सेल ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग्स, हमने लोन लिया, समझे, और रिवेन्यू रिसिप्ट
आउट ऑफ कोर, कोर का मतलब है मेन बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि हम ये कहते हैं मान लो कंप्यूटर्स का बिजनेस है किसी का, तो कंप्यूटर्स को सेल करके जो उसको आ रहा है रिवेन्यू वो उसके रिवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन अगर उसने अपने ऑफिस का जो वो ऑफिस में कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे या पुराना फर्नीचर था या इस तरह की कोई आइटम्स थी उनको सेल किया तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, या अपने बिजनेस के लिए कोई बोरिंग्स की तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। समझ लो रिवेन्यू रिसिप्ट जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। भाटिया वाले की मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? मिठाइयाँ बेचना, खाने की चीज़ें बेचना, तो वो सारा खाने की चीज़ें बेच के जो उनको पास पैसा आ रहा है वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। लेकिन अगर कल को उन्होंने अपनी कोई काउंटर है वो काउंटर को उन्होंने सेल कर दिया कि पुराना हो गया हम नया बनवाएंगे, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। क्योंकि वो जो कैपिटल रिसिप्ट क्यों है, क्योंकि वो उनको रेगुलर में काम थोड़ा है, उनका रोज़ का काम थोड़ा है काउंटर को सेल करना खरीदना सेल करना खरीदना, रोज़ का काम नहीं है ना वो, उनका कभी कभी का काम है ना, तो कोई असेट से तो कम हो रही है उनकी। या उसने सोचा कि चलो मैं अपनी साइड में एक दुकान खरीदनी है, उसने लोन लिया बैंक से, तो फिर वो बोरिंग्स हो गई, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई। बोलो। आपने उसे लिखा आउट ऑफ मेन बिजनेस एक्टिविटीज, तो लेकिन मिठाई विठाई बेचना तो उसका मेन बिजनेस एक्टिविटी है हाँ, ना। तभी तो रिवेन्यू रिसिप्ट है विच आर आउट ऑफ कोर और ड्यू टू लिख लो, कंफ्यूजन हो रही है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, समझ में आया? चारों टर्म, तो ये हमारी चारों टर्म, मैंने कहा था ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम साइमल्टेनियसली करते रहेंगे, एक साथ नहीं करवाई थी, तो ये वाली टर्म भी मैंने उस समय नहीं करवाई थी तुम्हें, ठीक है, समझ में आ गया? अभी पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फुल डिस्क्लोजर। जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है उसी का ही कंटिन्यूएशन है ये, ठीक है। हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये बात समझी कि आखिर मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होती क्या है, वो ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं जो कि मटेरियल होती हैं। फुल डिस्क्लोजर में हम ये कह रहे हैं कि ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, फुल डिस्क्लोजर है, ठीक है ना। जैसे कि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के समय ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो ऐसी आइटम हैं जो कैपिटल में ही प्लस होती हैं और कैपिटल में ही माइनस होती हैं, फिर भी हम क्यों दिखा रहे हैं? ड्यू टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, हमें डिस्क्लोज करना तो ज़रूरी है ना। तो इस तरह से हमें कहते हैं कि मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में पहले हमने ये देखा कि मटीरियल इन्फॉर्मेशन कौन सी है, फुल डिस्क्लोजर में हमने ये किया कि वो मटीरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। जैसे कि एक टर्म और होगी कंटिंजेंट लाइबिलिटी, एक टर्म होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, क्या होती है? विच डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अकरेंस, मतलब मेरा कोर्ट में एक केस चल रहा है, अगर कोई पेमेंट से रिलेटेड, अगर तो मैं जीत गई तो मुझे वो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं हार गई तो मुझे वो पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह की लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर, और वी कैन से विच डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर अकरेंस, दैट टाइप ऑफ लाइबिलिटी इज कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इसको हम अपनी बुक्स में एज अ लाइबिलिटी कभी शो नहीं करते हैं, लेकिन इसको हम एज अ फुट नोट लास्ट में शो करते हैं। मतलब जो तुम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाते हो ना, उस अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं पे भी ये लाइबिलिटीज में ऐड नहीं होती है, लेकिन ये हमारी बाद में एट द एंड हम एक नोट ज़रूर लिखते हैं। वो नोट हम क्यों लिख रहे हैं? ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें ये कह रहा है कि भाई बताना तो ज़रूरी है कि इतना पैसा फ्यूचर में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। हम ये नहीं दिखा रहे कि आ ही गया है, हम ये भी नहीं दिखा रहे कि नहीं आया है,
हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ कंटिजेंसी कंटिजेंट लायबिलिटी का। जैसे कि आर्यन ने कोई लोन लिया बैंक से, अब इसने लोन लिया तो इसने बैंक को अपना जो भी कॉलेट्रल एज अ सिक्योरिटी देनी थी वो दे दी, लेकिन बैंक ने कहा हमें तो तुम पे भरोसा नहीं है। अनुज्ञा कहता मैं दोस्त हूँ, मुझे भरोसा है मेरे भाई पे, और उसने कहा मैं गारंटी देता हूँ कि ये लोन के सारे इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे चुकाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब बैंक को ना अनुज्ञा पे भरोसा है, ठीक है दे दी। अब क्या हुआ, नहीं दी उसने इंस्टॉलमेंट, बैंक इसको तो चेस करेगी आर्यन को तो, बट अगर आर्यन पकड़ में नहीं आया तो किसका गला पकड़ेगी? अनुज्ञा को तो नहीं पता था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है। अनुज्ञा अपनी बुक्स में ये एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी शो करेगा कि मैंने आर्यन को, आर्यन के लिए इतने लाख के लोन की गारंटी दी हुई है, क्योंकि अगर कल को अगर उसने नहीं पे किया तो ये उस पर आ सकती है, उसने तो गुड फेथ में दी है। इस तरह की लायबिलिटीज़ को हम कहते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी, और इसको शो करने का मतलब है कि कंटिजेंट लायबिलिटी शो कर रहे हैं, लायबिलिटी है नहीं है तुम्हारी तो तुम अपनी लायबिलिटीज़ में ऐड नहीं करोगे क्योंकि लोन तुमने नहीं लिया। लायबिलिटी आर्यन शो करेगा अपनी बुक्स में, बट तुम कंटिजेंट लायबिलिटी शो करोगे। समझ में आ रहा है डिफरेंस कि तुम्हारी लायबिलिटीज़ में ऐड नहीं होगा, अनुज्ञा की लायबिलिटीज़ में ऐड नहीं होगा वो, अगर उसने पेमेंट नहीं किया आर्यन ने, अगर आर्यन ने पेमेंट नहीं की और बैंक ने उसको बोला और उसको देनी पड़ गई तो वो लायबिलिटी दिखाएगा कि भाई इतनी लायबिलिटी आ गई मेरे ऊपर, ठीक है। कंटिंजेंट, दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। अभी लिखवाऊंगी इसकी डेफिनेशन में, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो पहले फुल डिस्क्लोजर लिख लो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट and reliable information, all the relevant and reliable information which is material bracket में लिख लो significant to the users and the same should be full fair and adequate. Next point, due to this reason, various footnotes are appended, मतलब mention करना, appended along with the financial statements giving details about important transactions. Important transactions, for example,
फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन्स मेड, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ठीक है हो गया। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिख लो। कंटिंजेंट लायबिलिटी, थक गए बस लास्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिख लो। द लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अकर, विच मे और मे नॉट अकर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इवेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल गारंटी टू अनदर, गारंटी फॉर द लोन ऑफ अनदर पर्सन, गारंटी फॉर द लोन ऑफ अनदर पर्सन, एनी लीगल डिस्प्यूट गोइंग ऑन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एनी लीगल डिस्प्यूट गोइंग ऑन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, गोइंग ऑन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ये हो गया। अभी भी थोड़े से हमारे बचे हैं, एक ही बचा है वैसे तो, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग वो एक प्रिंसिपल है वो करेंगे और इसकी थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट और है प्रिंसिपल्स का वो करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिखते हैं वो फुट नोट्स हैं, ठीक है डन।